वेलकम बैक टू द मैथ फॉर यर्स। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बिग अपडेट है अभी की। देखिएगा ये क्यों हो रहा वो भी मैं बता दूं, क्या खेल है उसका भी मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा। जिन भी बच्चों को अगर डीएलएड अर्थात बीटीसी करना है, यहां पर देखिए कार्यालय सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन्हें पता है ठीक है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है, बच्चे कर लेंगे, इसलिए इनकी जो सीटें हैं वो 100% भर जाएंगी। क्या लिखा हुआ, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंतर्गत प्रदेश में रिक्त सीटों को 100% भरे जाने को देश से डायरेक्ट एडमिशन, समझिएगा यहाँ पर पैसा चला है, ये समझिए कॉलेज वालों ने पैसा दिया है कि डायरेक्ट एडमिशन खोल दिए जाए, 101% बहुत से बच्चे कर लेंगे। तो जिन भी बच्चों को अगर करना है, मान लो अगर बीटीसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन है ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के अंदर का चयन प्रवेश दो चरणों की कार्यवाही के उपरांत प्रदेश के सरकारी एवं निजी सदन में रिक्त सीटों को 100% भरने के लिए, ये कब से कब तक है, 23/1/2024 से 24/1/2024 तक, प्रतिदिन 10 से 4 बजे आप रहेंगे आवेदन प्राप्त करना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, प्रतिदिन अपराह्न 4 से 5 तक आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड चस्पा करो, प्रवेश प्रतियों को दूरभाष मैसेज के माध्यम से प्रेषित करें। 25/1/2024 अंतिम तक प्रवेश लेने अभ्यर्थियों की बेस ऑनलाइन अपडेट कर दें और उनको जो है सूचित कर दें। तो आप ये समझ लीजिए मात्र 23 से 24 दो दिन होगा और 25 तारीख तक लास्ट है ठीक है। सीधे प्रवेश की देख लीजिए क्या क्या है, समझ लीजिए डीएलएड प्रशिक्षण 2023 का ऑनलाइन आवेदन करने वालों को स्टेट रैंक 1 से 3 हजार तक ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन प्रवेश नहीं हुआ ऐसे ही डाइट एवं निजी संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी इनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है, उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। सीधे प्रवेश लिए जाने के दिशा निर्देश शुल्क और नियम शर्तें 19/1/2024 से दिए गए, जिनका अवलोकन विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा ठीक है। हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दौरान अग्रिम शुल्क 10,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद ही सीधे प्रक्रिया में आप जा सकते हैं। ये सारी कुछ आप लॉग इन आई डी ये है 25 है ठीक है, वेबसाइट पर रिपोर्ट ना किए जाने पर असंवैधानिक माना जाएगा। ये पूरी अपडेट है यहाँ पर देख लीजिए, अभी की ये बिग अपडेट है आप लोग। तो भैया जिन लोगों को डायरेक्ट एडमिशन लेना है डीएलएड 2023 में तो वो अपना ले सकते हैं ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे समझ पाए, जुड़ पाए मैथ फॉर यर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।